हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि स्टूडेंट की परेशानी का समाधान क्या है, तो उस समाधान को हम जानेंगे। हर स्टूडेंट की परेशानी क्या होती, पढ़ते पढ़ते नींद आना, तो नींद आती है। तो आज हम देखेंगे कि आप क्या करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो बात कर लेते हैं। देखिए, हर एक स्टूडेंट की परेशानी होती है जब पढ़ते हैं तो नींद बहुत आती है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, नींद आना भी ज़रूरी है, लेकिन जब नींद बहुत आती है तो स्टूडेंट के लिए परेशानी बन जाती है, क्योंकि उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो कोई भी आदत, आपकी कोई भी आदत है, उसके लिए कम से कम 3 हफ्ते चाहिए, तभी आपकी आदत छूटेगी। तो कुछ स्टूडेंट की शिकायत होती है कि पढ़ते पढ़ते झपकी आ जाती है, तो ये भी बुरा नहीं है, कि झपकी आना बुरा नहीं है, झपकी आना भी ज़रूरी है। तो देखिए, आपको क्या करना होगा, ज़रूरी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि आप मॉर्निंग में पढ़िए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठकर ही पढ़ें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप को सुबह उठकर पढ़ना अच्छा लगता है तो आप सुबह उठकर पढ़िए, जिसको रात में जागकर पढ़ना अच्छा लगता है वो रात को पढ़ सकता है। आपको जब कंफर्टेबल लगे कि आपको उस टाइम पढ़ने में मन लग रहा है तो आप उस टाइम पढ़िए। सुबह अच्छा लगे तो सुबह उठकर पढ़िए, और रात में उठकर अच्छा लगे तो रात में उठकर पढ़िए। लेकिन हर स्टूडेंट को नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप नींद नहीं ले रहे हैं, आप कहीं 2 घंटे सो रहे हैं या 3 घंटे सो रहे हैं, तो इतना नहीं, आपको कम से कम 5-6 घंटे सोना भी चाहिए। कम से कम 5 घंटे ज़रूर देना है कि इतना आपको सोना है। जब आपको नींद आए तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, जब आपको नींद आएगी तो आपको क्या करना होगा, आप पढ़ रहे हैं, आप मॉर्निंग में या नाइट में, तो आप अपने चेहरे को पानी से धो लीजिए, तो आपकी थोड़ी नींद चली जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ खाएं या फिर चाय पी, ज़रूरी नहीं है। आप अपने बस चेहरे को पानी से धो लीजिएगा और थोड़ा खुली जगह में टहल लीजिएगा, तो आपकी नींद गायब हो जाएगी। इसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करिए। ये नहीं कि आप, और जहाँ भी आप पढ़ते हैं, आप जिस रूम में स्टडी करते हैं उस रूम में रोशनी अच्छी आनी चाहिए, बाहर की हवा भी आनी चाहिए और बाहर से रोशनी भी आनी चाहिए। नाइट में तो लाइट ही जलती है, तो लाइट अच्छी होनी चाहिए, कि लाइट की रोशनी अच्छी होना चाहिए, जिससे आपके आँखों में भी प्रॉब्लम ना हो। तो आप ये सब करेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। यदि आप कम सोएंगे, मान लीजिए आप एक दिन में 2 घंटे ही सोते हैं, तो ज़रूरी है कि आपको नींद आएगी। इसलिए आप कम से कम 5-6 घंटे ज़रूर सोइएगा, और आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी रोशनी अच्छी आती हो, बाहर से रोशनी आती हो, जैसे दिन में पढ़ रहे हैं तो बाहर से रोशनी आपकी अच्छी आती हो, और आप नाइट में आपकी लाइट वगैरह अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप पढ़ने में आपको आसानी हो। और आप टहलते भी हैं, आपको नींद आ रही, तो आप टहलिए, ऐसी जगह टहलिए जहाँ खुला वातावरण हो, बाहर गार्डन हो या छत पे टहल लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।